মোদি সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের মহিশিলাতে এলেন প্রতিরক্ষা ও ট্যুরিজম দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আট সালোঁ কে অন্তর্গত হর ক্ষেত্র মে দেশ কা কায়াকল্প হো গিয়া হ্যায়। আজ কহীঁ ভি কোই ঘটনা ঘটতি হ্যায় তো সবকি নজর ভারত কি তরফ অর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি কি তরফ জাতি হ্যায় कि वही इसको सुलझा सकते हैं। आज जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूत हैं। देश चाक चौबंद है, सुरक्षा बिल्कुल मजबूती से चल रही है और टूरिज्म हम कई प्रकार की ले रहे हैं। सारे टूरिज्म पर हमारा इसमें नया जो आने वाला है एक एक्ट भी आ रहा है और उसके लिए हम तरह तरह के टूरिज्म, हॉल्टी टूरिज्म है, आपका वाटर टूरिज्म है, बॉर्डर टूरिज्म है, तो हर चीज़ पर जो जो जनता की डिमांड आते रहेंगी उस पर हम सब लोग विचार कर रहे हैं। सब आएगा, सब उसमें जब नीति के अंतर्गत आएगा तो वो भी नहीं छोड़ा रहे। चीज़ें ऐसी है कि जो आप पूछेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे। आर्मी के बारे में कोई चीज़ नहीं बता पाएंगे, ये बड़ी नीतिगत विषय है। बाकी सब कुछ सरकार सोच रही है, जहाँ पर भी जो चीज़ होती है उसको बहुत ही पुख्ता किया जा सकता है और कर रहे हैं। आप देखिए ना, हेलेना से हमने आज अपने द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर से लक्ष्य को भेद डाला। आपको पता होगा एंटी टैंक हमने मिसाइल बनाई, अभी आपको पता है अभी अभी हेलेना उसका नाम है, उस रॉकेट का, उस मिसाइल का कहिए, उसने लक्ष्य भेदा है। 20 दिन 25 दिन हो रहे हैं तो हर तरफ से हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। देश का हर हिस्सा बढ़ रहा है, सारे हिस्से बढ़ेंगे। पानागढ़ भी अपना है, हर जिला अपना है, पूरा बंगाल अपना है, भारत का कोना कोना आगे बढ़ रहा है। अच्छा होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि प्रजातंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष जरूरी हैं और इसमें लड़ाई झगड़ा गलत बातों का कोई महत्व नहीं है। पक्ष विपक्ष को हमेशा मिलके चलना चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहे। हमारी पार्टी ने अपना कदम ले लिया है और आप सबको पता है जो कदम लिया है उस पर बोलना उचित भी नहीं। जो हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा, देश भर में कार्यक्रम चल रहे, तो यहाँ मेरी ड्यूटी लगी है इस समय, तो इसलिए आठ साल की जो भी हमने काम किए हैं, जो जैसा जैसा किया है वो कामों के बारे में सबको जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म वर्ग क्षेत्र इस सबसे ऊपर है, उसके लिए मानव पहले है। नहीं नहीं, बंगाल में जो हिंसा चल रही है डेली नहीं नहीं होनी चाहिए। हम इसका हम हिंसा का खंडन करते हैं, कहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए। ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রে অনেক আত্মনির্ভর হয়েছে, ডিফেন্সের ক্ষেত্রেও অনেক আগে বেড়েছে। বাংলায় অশান্তি প্রসঙ্গে অজয় ভাট বলেন, আমাদের দল ব্যবস্থা নিয়েছে, হিংসা না হলেই ভালো। পাশাপাশি তিনি বলেন, প্রজাতন্ত্রের পক্ষ বিপক্ষ সকলকে মিলে চলতে হবে। এদিন এই অনুষ্ঠানে মোদি সরকারের চার বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরা হয়। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট, আনন্দবার্তা।